ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 1 अगस्त 2018 को साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था अदबी कुंज फरीदाबाद ने फरीदाबाद के मशहूर शायर श्री एमएल गर्ग जी के जन्मदिन के मुबारक मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। श्री एमएल गर्ग फरीदाबाद में अदबी कुंज के जरिए हिंदी और उर्दू की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और अदबी कुंज के वो अध्यक्ष हैं। अदबी कुंज के उपाध्यक्ष हैं श्री प्रदीप गर्ग, सेक्रेटरी हैं श्री महेंद्र शर्मा मधुकर, जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अजय अक्स। ने पूछा था एक सितारे से, इंतहा भी सफर की है कोई। मैंने पूछा था एक सितारे से, इंतहा भी सफर की है कोई। सुन के मेरे सवाल को शबनम रात भर फूट फूट कर रोई। आइए एक और शायर के हुजूर चलते हैं और एक मेहमान शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब डॉक्टर अशोक मधु साहब से, जो हमारे आज के मेहमान खसूसी भी हैं, वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामाइन को महसूस फरमाएं। सबसे पहले तो गर्ग साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उनका बहुत ही मगनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने आज की इस अपनी महफिल में मुझे सम्मान दिया। और मैं सम्मानित मंच, जनाब मोहतरम मेहमान खुसूसी, जनाब सदर और जनाब मोहतरम हमारे नाजिम साहब राही जी, अजय जी और गर्ग साहब, समय बहुत हो गया है। थोड़ी देर पहले तो महफिल वीरान सी लगने लगी थी, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल वक्त पर आ गए, इससे फिर महफिल में रौनक आ गई है, तो पढ़ने का मन हो रहा है। देखें, एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। वैसे मैं गज़ल का शायर नहीं हूँ, मैं गीत का कवि हूँ, बट कुछ आमद के शेर हो जाते हैं कभी कभी, तो महफिलों में मैं हाजिर कर दिया करता हूँ जी। दर्द दिल का छुपा लिया हमने, दर्द दिल का छुपा लिया हमने, इश्क में क्या से क्या किया हमने, दर्द दिल का छुपा लिया हमने, इश्क में क्या से क्या किया हमने, ओ जब किसी तरह रोशनी न हुई, जब किसी तरह रोशनी न हुई, अपना ही घर जला लिया हमने, जब किसी तरह रोशनी न हुई, अपना ही घर जला लिया हमने। और एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। ये एक फिल्म आ रही 100 करोड़, शायद इस साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी। हाँ, उसमें पूरे सारे मेरे ही गाने हैं, डुएट भी है, आइटम सॉन्ग भी है, लेकिन एक ये गज़ल है थोड़ी, इसे सुरेश वाडेकर जी ने उसमें गाया हुआ है फिल्म में, उसका एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ जी। तुम चले जाओगे गर रूठ के बादल की तरह,
तुम चले जाओगे गर रूठ के बादल की तरह, हम मना लेंगे तुम्हें प्यार में पागल की तरह। तुम चले जाओगे गर रूठ के बादल की तरह, और शेर अर्ज करता हूं कि दर्द रहे रहे के कसकता है जुदाई का तेरी, दर्द रहे रहे के कसकता है जुदाई का तेरी, तेरी यादों में तड़पता हूं मैं घा की तरह, दर्द रहे रहे के तड़पता है जुदाई का तेरी, तेरी यादों में तड़पता हूँ मैं घायल की तरह। और एक गजल के दो चार शेर और देख लें, आमद के शेर जी। आग दिल में लगी, आग दिल में लगी, किस कदर देखिए जल गया है मेरा घर का घर देखिए, आग दिल में लगी किस कदर देखिए जल गया है मेरा घर का घर देखिए, और एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, कोई गुजरा है महताब इधर देखिए, एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, कोई गुजरा है महताब इधर देखिए। और ये शेर देख लें अगर गजल का शेर हो गया हो तो, कि हक परस्तों का मैं, हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए, हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए। और दो कदम ना चला, दो कदम ना चला जो रहे इश्क में, दो कदम ना चला जो रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए, दो कदम ना चला जो रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए। और ये आखिरी शेर बतौर खास, कि कत्ल मेरा हुआ, कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कातिलों का जरा ये हुनर देखिए, कत्ल मेरा हुआ, शुक्रिया, कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कातिलों का जरा ये हुनर देखिए, आग दिल में लगी किस कदर देखिए जल गया है मेरा घर का घर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।
मुशायरे कवि सम्मेलन की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही अपनी डेट नोट कराएं। हमारा कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप और SMS नंबर है 9997640286। आज ही यूट्यूब पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। यूट्यूब के सर्च में जाकर लिखें WAQT वक्त MEDI मीडिया। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिले। मुझे इजाजत दीजिए।